फ्रेंड्स लाइफ के जो डूज एंड डोंट्स होते हैं, यानी कि ये काम करना है ये काम कतई नहीं करना है, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स सुने होंगे। और उन डोंट्स में आपने ये भी सुना होगा कि भाई लालच कभी ना करें। लालच वाकई बहुत बुरी बला है, बट आज का जो मेरा वीडियो है वो थोड़ा सा हटकर है कि कभी कभी लालच करना भी जरूरी है। पर हाँ, कहाँ कहाँ जरूरी है उस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इस दुनिया में हम कुछ करने के लिए आए, जब तक हमें चार लोग जाने नहीं, जब तक हम भरपूर जिए नहीं, तब तक फायदा क्या। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए भरपूर प्रयास करें, और उसके लिए जितना लालच होता है ना कि इतना उतना से संतोष नहीं होने देना है। खूब 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 मेहनत करनी है, खूब ग्रोथ भी चाहिए, खूब सक्सेस भी चाहिए, और खूब पैसा भी कमाना है। जीवन हमें एक गिफ्ट की तरह मिला है, कोई सजा की तरह नहीं। सो इसको बोझ बनाकर मत जिएगा। लाइफ में कुछ गलत भी हो गया सो उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। जो दूसरा पॉइंट आता है कि कभी दूसरे की चीजों का लालच नहीं करना है, यानी कि हमें कभी किसी का ये मिल जाए वो मिल जाए, नो नॉट एट ऑल, बिकॉज वी आर नॉट द पैरासाइट्स, वी आर नॉट परजीवी, जो मैं हमेशा हिंदी में बोलती हूँ। सो हमें कभी किसी की चीजों का लालच नहीं करना है। बट हाँ, एक चीज का लालच यहाँ पर जरूर करना है कि लोगों के दिलों पे अगर हम राज कर सकते हैं, लोगों के दिलों को जीत सकते हैं, किसी को अपना बना सकते हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स, उस लालच को कभी मत त्यागिएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपनी सोच को अपने ऊपर घमंड करना कभी मत भूलिएगा, कि आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत अच्छी है, और अपने आप को किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं होने देना है। यानी कि अपने आप को बचाने का जो लालच होता है, वो ऊंचे फलदार वृक्षों में भी हमेशा जो अच्छे फल होते हैं उनको कपड़े से ढक दिया जाता है, यानी कि उनको बचा कर रखा जाता है। द सेम थिंग, आपको भी अपने आप को बचाने का लालच करना है, यानी कि भगवान ने आपको बहुत अच्छा बनाया है और किसी भी हालत में आपको अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। और हाँ, डिस्टर्ब ना होने के साथ साथ अपने चरित्र और व्यक्तित्व के साथ भी कभी भी कोई आंच नहीं आने देनी है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लोग हमेशा कहते हैं पैसे को बचा के चलो, उसको सेव करके चलो, बट यहाँ पर मैं कहूंगी कि भाई अपने समय को भी बचा के चलो और उसको बचाने का लालच हमेशा करिएगा। यानी कि आप पूरे दिन बिजी रहे, खूब मेहनत करें, बट हाँ, कुछ जो समय बचा हुआ होता है उसका लालच कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि वो जो बचा हुआ समय है, चाहे आपका आराम करने का हो, चाहे इंजॉय करने का हो, चाहे आपके परिवार के साथ वक्त बिताने का हो, ये जो खुशनुमा पल होते हैं उनको जीने का लालच भी कभी मत छोड़िएगा। उसी के साथ साथ मेरे वीडियो देखने का भी वक्त जरूर निकालिएगा, एक शेड्यूल बना लीजिएगा और मेरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। वैसे जोक्स अपार्ट, बट ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी सेहत को सही रखने का लालच कभी मत छोड़िएगा। हमेशा अपने आप में हर चीज को परफेक्ट करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम सही हैं तो हम दूसरों के लिए भी काम कर पाएंगे, अपनों का भी ध्यान रख पाएंगे और अपनों के लिए कुछ कर भी पाएंगे। यहाँ पर मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूंगी कि चाहे घर के मेल्स, जब वो भूल जाते हैं अपने काम में कि उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, तो उस समय उनको ये रिकॉल करना जरूरी है, फैमिली के लिए और अपनों के लिए कितना मैटर रखते हैं। द सेम वे हमारी जो होम मैनेजर्स होती हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आप जब सही रहेंगे तभी आपके पति भी सही रहेंगे, आपका परिवार भी सही रहेगा और आपके बच्चे भी सही रहेंगे। द सेम वे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स व्यूअर्स हैं उनको भी मैं ये एक मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, इसके साथ साथ आप अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रख पाएंगे और आगे चल के आपको समाज के लिए भी बहुत कुछ करना है। सो उसके लिए अपनी सेहत का ध्यान सबसे पहले रखना है। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलेगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।